Trust this boy. What? Isn't he trying to tell me something? ये आदमी तो मेरा दुश्मन है। क्या बात करनी है रफी से? देखो बेटा, पहली बार तुम्हारी माँ की हैसियत से मैं तुम्हें मना कर रही हूँ। ये बात हमारे लिए बदनामी का सबब भी बन सकती है। सोफी, तुम दोबारा शादी के मूड में आई हो ना? लेकिन मैं अभी तक उसके खिलाफ। और ये लड़का? दीदा की शादी हो रही है। कब हो रही है? नेक्स्ट मंथ। आपके मियाँ क्या करते हैं? आई एम डिवोर्स्ड। वो औरत कौन थी? सरमद साहब की दोस्त थी। शादी करना चाहती हूँ उनसे। सरमद साहब ने मना कर दिया। रियली? कल डिनर पे चलेंगी मेरे साथ आप? जी, मेरे ख्याल में मुझसे पहले ना तुम्हारी शादी हो जाएगी। आउच! मैंने ये सब कुछ पढ़ा तो रिवाइज कर लो। बड़ा नो है। अच्छा, तो सवाल पूछूं? बड़ी खूबसूरत लग रही है। मुझे कुछ हो रहा है। राफे, डोंट बी चीप, वरना मैं ये सब कुछ खुद ही खत्म कर दूंगी। गुस्से तो ना हो, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। कांट यू टेक अ कॉम्प्लीमेंट? मैंने तुम्हें सिर्फ पढ़ाने का वादा किया। अच्छा, तो मैं भी यहाँ पढ़ने आता हूँ। क्या करूं अगर तुम इतनी खूबसूरत हो? क्या आंखें बंद कर लूं? राफे, स्टॉप इट एंड स्टडी, बैठ जाओ। क्या देख रही हो? जब मैं तुम्हें याद करती हूँ तो तुम काफी खूबसूरत लगते हो, मगर रियल लाइफ में तुम काफी बदशक्ल आते हो। तो तुम अपना वक्त क्यों जाया कर रही हो? Love is blind, they say, and I'm beginning to understand why. अच्छा, आज रात हम खाना कहाँ खाएंगे? आज रात हम खाना नहीं नहीं आई तो नामुमकिन है। आई हैव दिस वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, पब्लिशर के साथ मेरी मीटिंग है। अच्छा, कोई किताब लिख रहे हो? हाँ, वो आर्टिकल्स को जमा करके मैं एक किताब यहाँ किताब लिख रहा हूँ। तो मुझे काफी डिसहार्टन कर रहे हो, मेरा दिल तोड़ रहे हो। मैं वापस चली जाऊंगी। नो नो, कॉफी कैसी थी? पी तो, थोड़ा सा हाथ तो लगाओ इसको, जस्ट टेस्ट इट। आज रात मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी मीटिंग पे। आज और कल सिर्फ तुम्हारे साथ गुजारूंगी। आई हैव चेंज्ड, यू नो। आपने सवाल दिया था उसका मैंने जवाब लिखा था। अच्छा, दैट्स फाइन। सेम टाइम।
यू हैव टू अंडरस्टैंड, तुम्हारी मम्मी बार बार झांक रही है। तुम अपने काम से काम रखो, एक साल तो तुम्हारे पढ़ने के लिए बहुत कम है, बल्कि चार साल भी कम है। कुछ नहीं आता तुम्हें, क्या मैं तुम्हें पढ़ाऊं? सब कुछ भुला दिए, कर लूंगा कर लूंगा। आई डोंट थिंक सो, पॉजिटिव सोचना चाहिए। मैं तो सारा कोर्स एक हफ्ते में घोल कर पी जाऊंगा। मेरा नहीं ख्याल। अच्छा बस आज का काम खत्म हो गया, अब तुम जाओ और कल तुमने सारा दिन फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। आज रात फिल्म देखने चले? नो राफे, तुम ये बात दोबारा नहीं करोगे, तुम्हें को गलत फहमी हो गया। दीज आर जस्ट टीचिंग लेसन्स, नथिंग मोर नथिंग लेस, ओके? पैसे कहाँ बात हुए मेरे? मुझे पता था तुम यही सवाल करोगे। ये लो 10,000, 5,000 कोर्स खत्म होने के बाद दे दूंगा। ओके ठीक है, अब तुम जाओ। नौरीन दरवाजा बंद कर लो। जाने को दिल नहीं चाह रहा। नौरीन, हे साहबजादे, ये घर जिसको आप एक सराय समझते हैं, असल में मेरा घर है। यू कैन जस्ट वॉक इन एनी टाइम यू लाइक। डोंट हरास हिम, इग्नोर। तुम मेरे साथ डिफेंस तक चलोगे? जी मैं घूम जाती हूँ। ले जाओ, कभी जिंदगी में मेरे काम भी आ जाओ। चले। थैंक यू। लड़का बहुत खूबसूरत है। वापस कर दीजिएगा इसको। इसको मैं लंदन ले जाऊंगी। प्लीज वहीं रखिएगा हमेशा के लिए। मम्मी, व्हाट इज इट सिंस मॉर्निंग? आप अजीब सी हरकतें कर रही हैं। नहीं बेटा, वो मेरी दोस्त मिली थी मुझे बहुत पुरानी, शाहीन, उसने अपने घर पे बुलाया है, तो बस घंटे तक आ जाऊंगी। लेकिन ये आपका प्लान कुछ अचानक नहीं बन गया? नहीं, वो बहुत अच्छी दोस्त है। ओके, मैं अकेली रह लूंगी। बेटा मैं आ जाऊंगी घंटे तक। अरे यार तुम लोग फिरा, निकलो यहाँ से यार, चलो। अबे तेरे बेटे को बता कर गए थे, पैगाम नहीं दिया उसने तुझे? नहीं, मुझे कोई पैगाम नहीं मिला, और फिर यहाँ महफिल कोई हो भी नहीं सकती। अब यार देख, ज्यादती ना कर यार, निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ आगा, तुझे मैंने क्या कहा था मोटे, क्यों नहीं बताया तूने? सरमत ये लोग सोनी भी रहे, मैं क्या करूँ? क्यों नहीं सुन रहे आप लोग भाई? यार सरमत तू समझता क्यों नहीं, हमने अपने दोस्तों को बुलाया है यार, सबको इनवाइट कर चुका हूँ मैं। ये महफिलें आप लोग अपने घर में क्यों नहीं रखते भाई यार? 10 साल से आप लोग यहाँ आ रहे हैं, एक दफा भी आप लोगों ने मुझे अपने घर में इनवाइट किया? ये आवारा हरकतें हम अपने घर में नहीं कर सकते। और आज तुझे क्या हो गया, कैसी घटिया बातें कर रहा है तू? घटिया बातें कर रहा हूँ? ये मेरा घर है, और फिर वो लड़का भी आ गया है यार, अब ये महफिलें यहाँ नहीं हो सकती। वो लड़का किसी का तो बेटा है ना यार। अच्छा सुन ना, जरा कपड़े सही है मेरे, साफ नहा ले। अच्छा इन दोनों को निकाल, चल निकले आप लोग, चलो भाग गए। ये तो बड़ी ज्यादती है यार, मैं जिंदगी भर इसकी शक्ल नहीं देखूंगा। अबे हाँ यार, हम भी बुरबत में आ जाते हैं, वरना हम भी कुफारे नहीं बैठे हुए, बहुत काम है हमें भी। यार आज बड़ा मूड था मेरा। वो तो ठीक है, लेकिन जब दोस्त ही बेवफा हो जाए तो दिल ही टूट जाता है यार। इसका मतलब है कि हम जाएं। हाँ और क्या, चलो तुम भी चलो। ये मेरा घर है, मैं यहाँ पे सिर्फ ताश खेलने नहीं आता, वैसे भी मैं कभी कभी आ जाता हूँ। यार ये बड़ी एक चमचागीर से आया है, इसके काम हो जाते हैं ना, सरमत घर पे होता नहीं, चाबी हर वक्त हाथ में लेके घुमाए फिरता ही। देख जद्दी,
मैंने तुझे पहले भी समझाया, घटिया बातें मत किया कर, किसी दिन तो मेरे हाथों कत्ल हो जाएगा। अच्छा अच्छा बस बस, तो अब हम जाएं ना। देखो मैं तुम दोनों को एक बात बताता हूँ। हाँ बोलो। मेरा दोस्त शरीफ जिंदगी गुजारना चाहता। अच्छा, उसे शरीफ जिंदगी गुजारने दो गुनाहगारों। जो है ये मेल है या फीमेल? बेटे ज्यादा तैयार तो नहीं लग रही मैं। नहीं, आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। छोड़ेगा कौन आपको? वो कह रही थी कि ड्राइवर भेजेंगे। सुनो, मेकअप ज्यादा तो नहीं हो गया? नो मम्मी, डोंट स्टार्ट दैट, यू लुक जस्ट फाइन। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी कि मैं शर्मा साहब से कहूं अगर वो छोड़ दे। नॉट अ बैड आइडिया। बुरा तो नहीं मानेंगे? अब इतनी सी तो फेवर है, हर दूसरे दिन आके हमारे घर से खाना ले जाते हैं। बेटे बुरी बात। अच्छा मुझे देर हो रही है। ओके, आई विल सी यू इन एन आवर। ओके, खुदा हाफिज़। ड्राइवर भी आ रहा है, समद अंकल भी छोड़ रहे हैं। इट्स नॉट लाइक मम्मी। अरे यार तुम लोग दफा नहीं हुए अभी तक, निकलो ना यहां से। यार यार समद, तू जा रहा है ना, हम तो यहां बैठकर खेल सकते हैं कि नहीं? भाइयों, मैं चौकीदार को बुला के मैं धक्के देके निकलवाऊंगा, अच्छा लगेगी बात। इतना बनठन के कहां जा रहा है तू? ठाकुर जी मेरी मर्जी है, मैं जहां मर्जी जाऊं यार, मैं एक बालिग आदमी हूं, जहां मर्जी जाऊं। तुम लोगों ने इसे क्या है यार, निकलो ना यहां से। यार तुम लोगों ने सुना नहीं, जाओ। मोटे तुम भी जाओ। एक मिनट, कोई कोई क्लियर? एक मिनट, वो चला नहीं जाएगा, खुदा की कसम। आवाज नहीं। हाय हाय, आई एम फीलिंग अ लिटिल ऑकवर्ड। मी टू। तो फिर चले? नहीं, आप बहुत ज्यादा सोचती हैं। लेट्स गो प्लीज। यार ये सरमत कहां रह गया है? अबे यार इतनी देर में तो हम कई बाजियां लगा चुके होते। लगता है ये मुझे भी धोखा दे गया। ये जरूर सोफिया के साथ निकल के गया कहीं। वो आई थी? अरे यार हमें तो दीदार करा देने थे। देखो जद्दी, तुम्हारी नीयत हमेशा खराब रहती है, ऐसी बातें मत किया करो, ऐसी बातों से कत्ल हो जाते दूसरों की बीवियों और इनकी माशूकाओं पर नजर नहीं रखनी भाई। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप कब आई हैं? वेरी रिसेंटली। आपका क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम। अच्छा ये सरमत कहाँ है? क्या वो आपके साथ नहीं गया? नहीं, किसके साथ गया है? ये बात तो सोचने की है सोफिया। आप बार बार मुड़कर देख रही हैं, बहुत देर हो गई मुझे। आई मस्ट नॉट। नो नो नो, मेरी तो आदत है। दैट्स परफेक्टली ऑलराइट। प्लीज, आपकी दोस्त चली गई? नहीं चली तो नहीं, इधर ही है। बहुत पुरानी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है, शादी करना चाहती है मुझसे। अच्छा
आप शादी नहीं करना चाहते तो आप उसे साफ कह क्यों नहीं देते? कैसे कह दूं, दिल टूट जाएगा उसका। I just don't know how to deal with her. She's an old friend. मैंने आपका काफी देर इंतजार किया। चलो चलो मैं तुम्हें होटल छोड़ देता हूँ। नहीं, आगा मुझे छोड़ देगा। चल। सिर्फ दो सवालों का तुमने सही जवाब दिया, मुझे लगता है वो भी तुक्का ही मारा तुमने। रात को नींद नहीं आई? रात को नींद क्यों नहीं आई? सानू तेरे नाल प्यार हो गया साड़ा। बस बड़ा खूबसूरत गाना है, लेकिन तुम मोहिनी को सुनाना, बहुत खूबसूरत है। तुम एक काम करो, शादी का दफ्तर खोल लो। क्यों, खूबसूरत नहीं है? और अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो तो फिर तुम क्या कहोगी? तुम्हें पता है मम्मी सरमद अंकल के साथ डिनर पे गई थी। ओ, तो I don't know. किस किस्म के आदमी है सरमद अंकल? आजाद आदमी है, मैं ज्यादा नहीं जानता। वैसे आई डोंट रियली ट्रस्ट हिम। मम्मी का दिल तो नहीं तोड़ेंगे? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता भाई। वैसे तुम्हारी मम्मी आई डोंट नो साथ डिनर पे तो गई थी। भाईजान, किसी पड़ोसी को खाने पर लेकर जाना कोई गुनाह है? तेरे जैसे आदमी के साथ देखा जाना भी गुनाह। किसने कहा था? क्या खाने पर चलने के लिए? मैंने कहा। क्या बात हुई? कोई बात नहीं हुई यार, बस खाना वाना खाया, गपशप लगाई, वापस आ गए बस। वो भी बड़ी पनठन के गई थी। सरमद बाज आ जा। आगा, हम टीनेजर्स नहीं है यार, हम बड़े हो गए। वो बच्ची नहीं है, उसकी एक बच्ची है। तू मेरे पीछे क्यों लगा हुआ यार? सूफिया का क्या होगा? क्यों, तुझे क्या? मैं तो ऐसे भाई बंदी में कह रहा था, तेरी जगह अगर मैं होता। देख मोटे, तू मेरी जगह नहीं है और ना तू मेरी जगह हो सकता है। सरमद, ये तू ठीक नहीं कर रहा। दोपहर से शाम हो गई है, अभी तो मैंने सीखना शुरू किया, क्या अभी से भेज दोगी?
फरहान आ जाएगा ना तो मैं तुम्हें सिर्फ एक घंटा पढ़ाया करूंगी। वैसे फरहान करता क्या है? बैंकर है। कितनी दफा तो बताया। मोनी भी काफी अमीर है। वैसे मैं फरहान से शादी इसलिए नहीं कर रही हूं कि वो अमीर है। इट्स ओके, यू डोंट हैव टू गिव मी एक्सप्लेनेशन। आई एम नॉट। हाय, दिस इज अ सरप्राइज। व्हाट इज दिस? मैं राफे को पढ़ा रही हूं। कैन आई स्पीक विद यू अलोन? मैं चलता हूँ। okay.